हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फार्मा गुरुजी चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बगल वाले घंटे को दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हम ऐसी ही जानकारी देते रहते हैं आपको, मेडिसिन रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड और कुछ डिजीज रिलेटेड आपको हमेशा हम नॉलेज देते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बर्नोल क्रीम के बारे में, क्योंकि बहुत ही फेमस है। बर्नोल क्रीम एक बर्न क्रीम है। देखिए, बर्नोल क्रीम हर एक घर में होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि खास करके जितनी भी हाउसवाइफ होती हैं, हम लोग की मम्मियाँ होती हैं, तो क्या होता है कभी कभी हाथ वगैरह जल जाता है या बच्चे का ही हाथ जल जाता है, तो यह क्रीम बर्नोल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और ये हर एक इंसान के घर में होना चाहिए। डॉक्टर मोरेपेन का है और इसको हम बताएंगे पूरा डिटेल। और बर्नोल क्रीम, देखिए बर्नोल क्रीम एक ऐसा क्रीम है जो कि जले कटे घाव ऐसे जगह पे बहुत ही लाभकारी होता है, बहुत ही हेल्पफुल करता है। बर्नोल क्रीम देखिए हम बता दें, फर्स्ट डिग्री या बर्न या इंजरी पे ज़्यादा यूज किया है। अब इसका मतलब होता क्या है, फर्स्ट डिग्री या बर्न इंजरी? फर्स्ट डिग्री या बर्न का मतलब होता है आउटर लेयर ऑफ स्किन। बर्नोल क्रीम फर्स्ट डिग्री या बर्न या इंजरी के लिए लगाया जाता है। फर्स्ट डिग्री या बर्न का मतलब होता है आउटर लेयर ऑफ स्किन। स्किन की किसी भी आउटर लेयर पे अगर कटा हो, जला हो, खासकर बर्नोल क्रीम जले हुए जगह पे लगाए जाते हैं। अगर इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होता है बर्नोल क्रीम में। और बर्नोल क्रीम अभी जो हमने लिया है आपके सामने, ये 10 ग्राम का क्रीम है और इसकी प्राइस 45 रुपीस है, तो लेस कॉस्ट का भी है और हर एक मेडिकल स्टोर पे, फार्मास्यूटिकल्स में या फिर फार्मेसी में ये बहुत इजी से अवेलेबल होता है, वहाँ से आप लोग इसे परचेज कर सकते हो। बर्नोल क्रीम देखिए, माइक्रोबियल इन्फेक्शन, जैसे कि हमारे हाथ पैर पे कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो तो उसके लिए भी यूजफुल होता है। उंड घाव को भरने में, इन्फ्लामेशन में इसका जो मेन यूज है, कहीं भी आपका स्किन में जलन हो, जलन में बहुत ही लाभकारी करता है, कटे जले हो। तो बर्नोल क्रीम अभी जो हमने लिया है डॉक्टर मोरेपन, और इसको हम बताएंगे हाउ टू यूज। इस बर्नोल क्रीम का यूज का सबसे बेस्ट मेथड क्या है हम आपको बताते हैं। बर्नोल क्रीम अप्लाई तभी करिए जब आपको अच्छे से इसका यूज पता हो। तो बर्नोल क्रीम को यूज करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, जहाँ पर आपका हाथ कटा हो, जला हो, खास करके आप उसको एक बार कोल्ड वाटर से अच्छे से क्लीन कर दीजिए। अगर जला हो तो कोल्ड वाटर से क्लीन कर दीजिए और हाइजीनिक कंडीशन, वहाँ पे सफाई हो जाएगी, फिर इस क्रीम को अप्लाई कीजिए। यहाँ पे एक चीज़ लिखा भी है यूज करने के लिए, कैसे यूज करना है। तो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस कैसे इसको यूज करना रहता है। तो हमने बताया इसको यूज करने से पहले, सबसे पहले आप लोग उस पोर्शन को जहाँ पे बर्न हुआ है थोड़ा सा कोल्ड वाटर से वॉश कर दीजिए, फिर इस क्रीम को अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद इसका हम बताते हैं एक्शन ऑफ क्रीम। इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, बैक्टीरियोसाइडल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं बर्नोल क्रीम में। और बर्नोल क्रीम के कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं ऐसे कि अमाइनाग्राइन होता है, सिट्रीमाइड होता है, इमल्सन बेस होता है। तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और एक आप लाइक कर दीजिएगा ताकि हम आपको ऐसे ही मेडिसिन रिलेटेड वीडियो हमेशा लाते रहें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। अगर इससे जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो तो एक कमेंट बॉक्स में दे सकते हो या फिर हमें मेल भी कर सकते हो। और कोई भी कन्फ्यूजन हो इस वीडियो को लेकर तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।